अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरिट एनालिसिस नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और जितने भी CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल हैं उनका मेरिट लिस्टें लगना स्टार्ट हुई हैं। थोड़ा सा एनालिसिस अपना और हमारा जो एक एक्सपीरियंस है और कुछ चीज़ें मैं इसमें स्टूडेंट्स को गाइड कर दूँगा। अगर आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट्स को बता के रखा हुआ था कि इनके अंदर आर्मी मेडिकल कॉलेज में तीन कैटेगरीज हैं। मेडिकल कैडेट है, ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं और पेन कैडेट्स की सीट होती हैं। तो इसमें भी अभी जो मेरिट लिस्टें लगी हैं 94 के करीब मेरिट आया हुआ है। 94 प्लस मेरिट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो नम्स का मेरिट इस बार बहुत ज़्यादा हाई क्यों गया। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि नम्स का टेस्ट बहुत आसान था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स वहाँ पर अटेम्प्ट किए, जिसकी वजह से वो लोगों का मेरिट और एग्रीगेट बहुत ऊपर चला गया। अगर बात की जाए मेडिकल कैडेट सेलेक्ट हो चुके हुए हैं AMC में, जो ओपन मेरिट पे सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में सेलेक्ट हुए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को वाइस ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्की और कामयाबी दे, और जो सेलेक्ट नहीं हुए उन लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को भी कामयाब करे और मज़ीद आने वाले वक्त में जो है आप मज़ीद मेहनत करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी मज़ीद अच्छी राह खोलेगा। तो अभी CMH वगैरह की मैंने देखी हैं, फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट टेस्ट लगी हुई है, सेलेक्शन मेरिट टेस्ट लगने वाली है। इस बार एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर भी तकरीबन 15,000 के करीब एप्लीकेशन आई हुई हैं। मतलब इतना स्टूडेंट आज तक हमने देखा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा, इतने स्टूडेंट एंट्री टेस्ट देगा और इतना मेरिट जाएगा। इस बार जो CMH वगैरह, हालाँकि उन्होंने फ़ीस भी बढ़ा दी थी, उसके बावजूद ये मेरिट के हालात जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो तमाम स्टूडेंट जो CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स में अप्लाई करके बैठे हुए हैं उन लोगों को बेस्ट विशेज, अल्लाह करे सब लोगों का नाम आ जाए। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80% तक वहाँ पर मेरिट आएगा, और वहाँ पर जिन लोगों का 80 अबव मेरिट है, 80 तक यह है, वो लोग वहाँ पर उम्मीद रखें, इंशाल्लाह CMH में वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो वक्त का इंतज़ार है वो बड़ा ज़रूरी है, सही वक्त का इंतज़ार हमें करना चाहिए। सही वक्त आएगा, सबका आएगा इंशाल्लाह, आपका सही वक्त आएगा और आप लोग सेलेक्ट होंगे। नम्स एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट कंडक्ट करवाती है। आने वाले सालों में भी जो टेस्ट के बारे में, नम्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी हम अपने चैनल पे शेयर करेंगे। फ़िलहाल तीन मेरिट लिस्टें लग चुकी हैं, चौथी उम्मीद है आर्मी मेडिकल कॉलेज की, जब लगेगी तो उसके बारे में भी हम अपडेट करेंगे। नम्स के हवाले से, AMC के हवाले से, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, CMH, जितने भी उनके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है आप हमें नीचे कमेंट्स में कमेंट्स करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।